हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है दोस्तों संडे और अभी हम लोग जस्ट सो के उठे हैं। एक्चुअली मैं, वीना और काजल, मम्मी तो बहुत पहले उठ चुकी थी इसके लिए मम्मी ने पूरे घर पे दिया बत्ती भी कर दिया है और सानवी भी उठ चुकी है। सानू से हेलो। सानू अपने मूड में है, सुबह से बहुत चिढ़ रही है। अब जाके थोड़ी सी शांत हुई है। वैसे आपको आज बता दूँ, मम्मी आज नाश्ते में कुछ स्पेशल बना रही है। टन टन, क्या बना रहे हो मम्मा आज? क्या बना रही हूँ बेसिकली एक गढ़वाली डिश है जिसमें आप पूरी में जैसे फिलिंग करते हो, पराठे जैसा फिलिंग करते हो और पूरी जैसे तलते हो, तो ये कुछ आलू की भरी पूरी इस तरीके से दिखता है ये। तो आज नाश्ते में ये स्पेशल है, तो फटाफट फ्रेश जाऊंगा पहले, उसके बाद करूँगा नाश्ता। आज संडे का दिन है, मम्मी बाहर जा रही है, मम्मी भी ना, मैं और काजल सानवी घर पे रहेंगे, और घर पे रहेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे काम होंगे, कुछ ना कुछ तो काम देगी काजल, मुझे ऐसे छोड़ेगी तो नहीं। वैसे जहाँ मम्मी जा रही है वहाँ मैंने भी जाना था बट मैं नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज मेरा भी कुछ ऑफिस का काम है, इसकी वजह से मुझे घर पर रुकना पड़ेगा। और जब फ्री टाइम मिलेगा तो काजल की हेल्प करूँगा। वैसे तो हेल्प ज़्यादा क्या ही करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन धोऊँगा और कुछ नहीं करूँगा मैं। पर मुझे और काजल को कहीं जाना है, और कहाँ जाना है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। घर के लिए कुछ सामान लेना है हमें, एक्चुअली हिंट दे देता हूँ मैं, और वो क्या क्या चीज़ लेने जा रहे हैं हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो गाइस अभी तो हम लोग घर पे ही है, जैसे कि मैं आपसे कहा था मम्मी और वीना चली गई है बाहर और मैं काजल घर पे ही है, तो अभी जस्ट खाना ही बन रहा है सानवी का। एक्चुअली सानवी का खाना बन जाएगा, मुझे लगा गैस ऑन है। और तो जैसे ही खाना खिला देंगे सानवी को, हम लोग चले जाएंगे बाहर मार्केट में। अरे देखिए सानवी फिलहाल अपने कोकोमेलन देख रही है। भाई कितना कोकोमेलन देखते हो तुम, हाँ कितना कोकोमेलन देखते हो। तो गाइस अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैं, काजल और सानवी, मम्मी तो आ चुकी है वापस, वीना सैलून में गई है, मैं और काजल और सानवी जा रहे हैं विजय सेल्स। क्यों जा रहे हैं? बेसिकली हमें एक एसी लेना है हमारे कमरे के लिए, जो ऑलरेडी हमारा विंडो एसी है वो ख़राब हो चुका था, और पिछले 7-8 महीने से क्योंकि ठंडी थी बीच में तो इसलिए हमने चेंज ही नहीं कराना उसको, और वो रिपेयर भी नहीं हो सकता बिकॉज अगर रिपेयर करेंगे तो उसका जो कॉस्टिंग है इट इज़ एज गुड एज बाइंग अ न्यू एसी। तो हमने सोचा कि यू नो मोटर उसका बहुत एक्सपेंसिव था, तो हमने सोचा कि यार वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया उसको, 10-12 साल हो गए ऑलमोस्ट, हमने सोचा कि चलो नया एसी ले लेते हैं। विजय सेल्स में देखते हैं ऑफ़र क्या लगा है, उस हिसाब से कॉल लेंगे। अभी पता नहीं है कि ले ही रहे हैं या नहीं, उधर जाके पता चलेगा। सानवी का आप नया लुक देखिए, ये है सानवी का नया लुक। चोटी देखिए सानवी की, एक चोटी, काफ़ी खुश हो गई है सानवी। सानवी इतनी एक्साइटेड हो रखी है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? सानू इतनी एक्साइटेड हो गई है बाहर जाने के लिए। चना चलो चलो। तो गाइस हम लोग फाइनली विजय सेल्स पहुंच चुके हैं, भीड़ तो दिख रही है। शानू शानू बहुत खुश है। एसी देखना था हम लोग। ये आ गए हम लोग एसी के सेक्शन में। एक टन वाला एसी दिखा दो भैया, सारे वन टन में कौन सा सबसे अच्छा है? मेरे को डाइकिन का बताइए ना सबसे अच्छा। तो गाइस हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक था ये पैनासोनिक का कन्वर्टेबल और दूसरा मैंने डाइकिन के ब्रांड के बारे में काफ़ी सुना था, बट इसमें एक अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग पावर कंजम्पशन इसमें एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कन्वर्टेबल इन्वर्टर है, तो इसी वजह से हमने फिर यही सेलेक्ट किया, यही मॉडल सेलेक्ट किया। सानवी जब से यहाँ पे आई है तब से इतनी इनपेशेंट हो गई ना कि इसको तरह तरह की चीज़ें दिखानी पड़ रही है। सानू इधर उधर नहीं जाना ठीक है,
इधर तो नहीं जाना, पैसे मांगेंगे कुछ टूट गया तो। साना नहीं, उधर नहीं, उधर इधर आ। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, तो हमने एसी ऑर्डर कर दिया है, उसकी डिलीवरी कल होगी और परसों उसकी इंस्टॉलेशन होगी। तो फाइनली वो तो क्लियर हो गया। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंने आपके लिए क्या लिया है वर्कआउट के लिए। सो एज यू कैन सी, मैंने लिया है मसल बेस का बायोजाइन, जिसका मैंने टेस्टर यूज़ किया था। आपको याद होगा मैंने बोला था कि मैं, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसका बॉक्स लूँगा, तो मुझे अच्छा लगा था उसका टेस्ट भी और अच्छा लगा था, मतलब मेरे को वो पीने के बाद थोड़ा अच्छा लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने यही लिया है मसल बेस का बायोजाइन लो कार्ब। एंड उसके साथ मैंने लिया है लिक्विड एल कार्नेटाइन, बेसिकली मेरे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। उसके साथ एक शेकर फ्री मिला है, शेकर के साथ मुझे मिला था एक रिस्ट बैंड और साथ में टी शर्ट भी मिल रहा था, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी टी शर्ट्स है जिम करने के लिए, तो जगह भी नहीं है घर पे सच बताओ तो, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग और एसी, ये सब। दूसरी एक काफ़ी अच्छी चीज़ मिली है हमें, ये है एक मसाजर जो कि अराउंड 500 का है और ये इतना कूल है कि आप इसको बस इसका स्विच ऑन कर दो, ये रिचार्जेबल है एंड ये बेसिकली वाइब्रेट होता है। आप इसको अपने मसल के कोई भी हिस्से में रख दो ऐसे प्रेस करके, सुकून मिल जाता है दोस्तों, सीरियसली मज़ा आ गया इसको यूज़ करके। ओए होए होए, ये बेसिकली मेरी बहन ने लिया RCT मॉल से और बहुत मज़ा आ रहा है यार ये लगा के, बहुत काम की चीज़ है। वर्कआउट करने के बाद ना मसल काफ़ी थक जाता है और ऐसा लगता है कि यार कोई दबा दे थोड़ा, यू नो थोड़ा सा मसाज कर ले, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये 500 का मशीन ले सकते हो, आप इसको प्लेस करके यू नो उसका वाइब्रेशन से आप इन्जॉय कर सकते हो, काफ़ी रिलैक्सिंग मशीन है ये। तो डीकैथलॉन से लिया था एक्चुअली, RCT के डीकैथलॉन में अवेलेबल है ये, जस्ट 500। अगर आप डीकैथलॉन के वेबसाइट से भी, आप प्रॉबली अवेलेबल होगा ये, आप देख सकते हो, चेकआउट देयर वेबसाइट, शायद आपको मिल जाए ये मसाजर से। अभी मैं अपने थाइस पे भी इसको हल्के हल्का रब कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है अपने काब्स में। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, गाइस काफ़ी लेट हो चुका है, 12 बज रहे और मैं भी काफ़ी थका हुआ हूँ, दिन में सोया नहीं था, थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा था। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए सी या।